खाना भी नहीं बनाया है, ना खुद ने खाया है, ना मैंने खाया है कुछ भी। की टंकी फूट गई है, ये देखो प्रेग्नेंट है इसलिए दबा रहा हूँ। सो हे गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियो। सो जैसे आप लोग कि मैं वापस नोएडा आ चुका हूँ और मैं आ गया था आज मतलब 10 तारीख को रात को 1:30 बजे, क्योंकि मैं बाइक से आया था। मैं और सिर्फ और प्रियंका आई थी बस से, तो वो आई है सुबह 6 बजे या 7 बजे। वो चली गई थी दीदी के साथ, आई है तो दीदी के साथ नोएडा चली गई थी, ग्रेटर नोएडा में। अब मैं 12 बजे सो के उठा और चलो लेके आता हूँ। बाइक निकाली, थोड़ी दूर बाइक चली और ये देखो बंद पड़ गई। पेट्रोल ही भाई साहब पूरा ख़त्म है, इसमें एक भी पेट्रोल नहीं है। मेरे हिसाब से शायद यहाँ से ना पेट्रोल निकलता है, तो ये निशान बना हुआ है, तो सारा पेट्रोल शायद निकल गया है। और यार दिक्कतें मेरे साथ ही आती हैं या ऑटो की सर। और ये देखो इस सोकर का सारा मोबिल निकल के ये डिस्क ब्रेक पे पड़ा है पूरा, तो डिस्क ब्रेक भी नहीं लग रही, पूरा गंदा भी हो गया ये और इधर भी। अभी वहाँ से मैं 2 किलोमीटर दूर से इसको झेल के ला रहा था, मैंने कहीं थोड़े छाया से मिल जाए पेड़ों की तो वहीं पे रुक जाऊँगा और वहीं पे आप लोगों को बातें शेयर करूँगा। अभी 1.5 किलोमीटर होगा उधर और झेल के ले जाने, धक्का लगा के उसके बाद पेट्रोल लाऊँगा और पैसे भी सारे खर्च हो गए। देखते हैं कि कितने का पेट्रोल डलेगा और फिर प्रियंका को लेके आता हूँ। अभी कुछ खाया भी नहीं, भूख लग गई, घर से निकला था जब भूख नहीं लगी थी, इसको थोड़ा धक्का लगाया ना वैसे। गाइस दिल्ली या नोएडा में आते ही ये जाम का सामना करना पड़ता है, ये देखो सोलिया फिर क्या कह रहे हैं मैं सो थोड़ी ना ही देखो आते ही शुरू हो गई कूड़ा उड़ा, कितना कूड़ा निकल रहा है इसके घर में। ये गाइस मेरी काम वाली है, ओए काम वाली आंटी, अच्छा ये तो प्रियंका है गाइस, भूल गया था मैं, पूरा साफ कर दिया इधर से, इतना कूड़ा निकल गया। और अब मैं मज़े से खाऊंगा मैगी बनाई है। मैगी जब मैगी लेने दे, मैगी दे दियो डाल के निकाल लो, मैगी तो हट मैं निकाल देता हूँ। परेशान था कि पेट्रोल बार बार ख़त्म हो जा रहा था, और अभी रीज़न पता चल चुका है कि टंकी फूट गई है, ये देखो मेरे साथ ही क्यों होती है सारी दिक्कतें। ये देखो अभी हो रही है ठीक, अभी 500 रुपये का पेट्रोल डलाया पूरा, ये देखो निकल गया यहाँ से। जब पता पड़ी है कि हाँ भाई इसकी टंकी फूटी हुई है, फटाफट मैकेनिक के पास आया, पूरा इधर पेट्रोल गिर रहा था तो डर लग रहा था कहीं आग वाग न लग जाए, ये देखो इधर भाई पूरा पेट्रोल निकल गया, पूरा बर्बादी हो गई। सुबह डलाया था 500 रुपये का, वो निकल गया जब ध्यान नहीं दिया, इधर से निकल रहा था और इधर से अंदर से और इसके ऊपर गिर रहा था, आग निकल रही थी, जैसे गर्म चीज़ पे कोई पानी डालते हैं ना वैसा हो रहा था। डर लग गया मुझे एकदम से, शिवम की दुकान पे आया था फटाफट इधर लेके आया, 500 रुपये का सुबह नुकसान, पेट्रोल डलाया वो निकल गया, 500 का भी निकाला डाला वो भी निकल गया। अभी गए हैं भाई क्या है वो लेने एम सिल्क, और ये देखो इतनी सारी भरी हुई है, कितनी तेज़ी से निकल रहा था। मैं
मैं सोच रहा था इसका एवरेज ही कम है, मगर इतना भी कम नहीं है कि हज़ार हज़ार रुपये का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा और 20 किलोमीटर ही बस चले। उसे आई है बस पे और अब यहाँ रो रही है, आई कर रही है, ये देखो शक्ल देखो कैसी हो गई इसके 10 दिनों में गाँव में, दर्द हो रहा है इसको। ओए, खाना भी नहीं बनाया है, ना खुद ने खाया है, ना मैंने खाया है कुछ भी सुबह से, उठ भी नहीं रही है, और मैं इधर खा रहा हूँ मूंगफली। मूंगफली में और बाइक मेरी ठीक हो गई है, अभी रो रही है, मेरी पैर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं दबा रहा हूँ, वैसे मैं दबाता नहीं, प्रेग्नेंट है इसलिए दबा रहा हूँ, दबाना भी चाहिए वैसे भी, वैसे जब दिक्कत होगी जो तो करना ही पड़ेगा, thank you.